बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अवर चैनल गार्डन सास बहू का। आपकी दोस्त आयशा इरानी और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी बहू अरीबा उमर, हम दोनों की तरफ से बहुत सारी मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। और हमारी नन्ही शहजादी, हमारी नन्ही प्रिंसेस वर्दा आई हुई हैं, तो वर्दा की तरफ से भी बहुत सारा सलाम कबूल हो आप सबको। अच्छा वर्दा, देखो ये हमारा ये तुलसी का पौधा है, ये देखो ये हमारा कोलियस है, ये हमारा ये देखें, अब रमज़ान आ रहा है ना तो पुदीना ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ मैं यहाँ से। देखें ये ऐसे ये काटा इसको, पुदीना लगा दिया, पुदीना लगा दिया, सीधे हाथ से लगाते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाही। तो इंशाल्लाह ताला ये देखें ये जल्दी ही ग्रोथ कर जाएगा, ये इसकी अच्छी प्रोपेगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी, हमारा ये चाइनीज़ चंपा होता है ना, उसकी कटिंग लगाई थी। तो माशाल्लाह देखें इसकी ये निकलना शुरू हो गई, स्प्राउटिंग हो गई शुरू। और ये मेरा ये पुदीना देखा ना, अभी मैंने आपके सामने लगाया ना, देखें ये लिया मैंने, ये यहाँ से मैंने ये तोड़ा इसको, ये इसका ये मैंने तोड़ा इस तरह से और इसको इस तरह से लगा दिया। हाँ तो दोस्तों, आज मैं अपने गार्डनिंग चिट चैट के अंदर बहन में तो शायद उसी पेज पर थी, एक पोस्ट पढ़ रही थी, हमारे किसी फ्रेंड ने लगाई थी ये, कि अगर आपको किचन गार्डनिंग का शौक़ है तो दोस्तों आपको ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा कोई DAP CAP कोई टिपिकल नेम्स जो होते हैं उन सब की ज़रूरत नहीं है। वरना आपको भी बता रही हूँ मैं ये, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात करी कि इतने इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, इतने औज़ार होने चाहिए, इसके ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखें मैंने भी इस तरह से उन्हीं की बात पर थोड़ा सा अमल कर रखा है ये, कि देखें मैंने ये सादी बाल्टियाँ अपनी ले रखी हैं, लगा रखा है। ये मेरी प्याज़ों की टोकरी थी तो यूज़लेस तो नहीं हुई थी, लेकिन मेरे पास दूसरी थी तो मैंने कहा वो यूज़ करती हूँ, वो फिर मैंने इस तरह से यूज़ कर ली इसको, ठीक है ना। और ये मैंने ये डोंगे जो हैं माशाल्लाह से, ये हमारे ये तकरीबन ऐसा कितने के लेके आई थी, शायद 15-15 के लेके आई थी मैं ये। तो ये देखें ये डोंगा सिंपल डोंगा, ये इसमें रोज़ मोज़ लगी हुई है हमारी ये, और देखें ये सिंपल बॉटल्स हैं हमारी ये जिसमें हमने ये लगा रखा है ये। तो हमें कोई इतने ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा अहतमाम की भी ज़रूरत नहीं है। देखें ये मैंने सादी बोतलें अपनी ले कर और उनको बस कलर कर लिया, इतना तो हम अपने ऊपर खर्च ही कर सकते हैं ना, अपने शौक़ पर अपने ऊपर। तो ये देखें माशाल्लाह से ये मेरा माशाल्लाह का पौधा कितना प्यारा लग रहा है ना ये। और ये देखें तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें कोई बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा प्लांटर्स की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो अपने सादे सिंपल प्लांटर लेके सादा वो लेके और खुरपी भी अगर वो कह लेंगे कि अगर 100 रुपये की आती है आ जाए ठीक है, नहीं आती है तो आप चाहें तो आप सादी सिंपल वो घर की पुरानी छुरी यूज़ कर सकते हैं। देखें जैसे मैंने ये अपनी बताती हूँ भी आप लोगों को ना, कि ये देखें मैंने ये मेरी पुरानी यूज़लेस कैंची हो गई थी, ये मैंने इसको यूज़ किया। और ये मेरी करनी हमारे घर में काम वाम होता रहता है कुछ छोटे मोटे टूट फूट का, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने इसमें यूज़ कर ली। और छुरी भी मुझे नज़र नहीं आ रही, छुरी भी मेरी हाँ ये रखी, छुरी भी मेरी देखें पुरानी थी तो मैंने यूज़ करके ये इस्तेमाल कर ली इसको। और ये हमारा PVC पाइप हमारा एक्सपायर हो गया था, एक्स्ट्रा था ये यूज़लेस हो गया था, तो ये हमने यूज़ करके कर लिया। देखें ये बोतलें हमने लगा रखी हैं, ये हमारी छोटी सी मटकी थी तो हमने इसको मटकी को यूज़ कर लिया। और देखें ये अभी भी आगे दिखाती हूँ आपको, हाँ हाँ आइस क्यूब ट्रेस को ट्रे को भी, और ये हमारी जमजम की बोतल थी तो उसको भी हमने यूज़ कर लिया। इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत अच्छे पौधे लगेंगे। और ये देखें ये हमारे कप हैं, और ये हमारा ये कैन था हमारा पुराना रखा हुआ ये, तो ये भी खैर यूज़लेस तो नहीं हुआ था लेकिन मेरी नीयत इसके ऊपर ख़राब हो गई थी, मैंने कहा इतना बड़ा था प्लांटर है मुझे मिल जाएगा तो इसको मैं लेकर कर लेती हूँ। और देखें ये हमारी माशाल्लाह स्वीट पोटैटो वाइन की कितनी अच्छी, इसमें कूलर में यूज़लेस कूलर था हमारा तो उसके अंदर हम लगा रहे हैं इसके अंदर। तो ये देखें दोस्तों ये हमारा बेबी सनफ्लावर है, ये हमारा आरपी जीता है, ये मेरा पुदीना है, और ये हमारे ग्रो बैग्स में लगा हुआ है। और देखें ये हमारी ये आइस ट्रे इसके अंदर लगा हुआ है, वो हमारी पुरानी कलर बॉटल थी उसमें लगा हुआ है, और वो भी हमारे इसमें लगा हुआ है। देखिए ये मेरा टूटा हुआ गमला ऐसे भी लगा हुआ है, लेकिन अगर मेरे आप गार्डन का ओवरव्यू देखें तो माशाल्लाह से देखें ये मेरा पुराने टब के अंदर लगा हुआ है, ये इसके अंदर मैंने देखें टमाटर भी लगा रखे हैं, और इसके अंदर ये मेरी भिंडी माशाल्लाह चल रही है, ये साइड में मेरा धनिया चल रहा है, और ये मेरी ककड़ी है चल रही है, ये भी मेरी ककड़ी चल रही है ये माशाल्लाह से, ये धनिया भी चल रहा है साथ में, और अब ये पुदीना भी स्टार्ट होना शुरू हो गया ये। तो देखें हमने एक टब को लेकर
ये हमारा पिछले साल टूट गया था तो हमने माशाल्लाह से मल्टी क्रॉप्स वो लगा ली इसके अंदर। देखें तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसके ऊपर अपनी वीडियो बनाती हूँ कि वाकई अगर आपको शौक है तो शौक के लिए आपको कोई इतना ज़्यादा अहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो अपना आराम से कर सकते हैं। और देखें जगह भी हमारी कोई इतनी बड़ी नहीं है। ये देखें मेरे गार्डन का ओवरव्यू देखें। ये मेरी किचन कॉम्पोस्टी जो होती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है, ये मेरे वो तैयार हो रहे हैं, ये मेरे वो तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर इन दोनों बाल्टियों में मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है, कभी मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगी दिखाऊँगी आपको। और ये मेरा नीचे किचन कॉम्पोस्ट तैयार हो रहा है, इसके अंदर तैयार हो रहा है ये। और ये देखें मेरी ये बोतल एक्स्ट्रा थी, ये मैंने इसको इस्तेमाल कर ली। इसके अंदर ये मेरा जग टूट गया था तो ये मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो देखें माशाल्लाह से वर्दा मोटर टंकी भर गई, नानाबू से बोलो मोटर बंद कर दे। हाँ देखें ये माशाल्लाह से ये सब चल रहा है। ये हमारा वॉशिंग एरिया भी यहीं पे ही है देखो, लेकिन इसके ऊपर मैंने देखे जगह नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह कीले ठोक के ही बना ली अपनी, ये मैंने कहीं बना लूँ तो जगह का भी कोई ऐसा मैटर नहीं है, आप इस तरह बना सकते हैं। शाम को माशाल्लाह से हमारे यहाँ बच्चे कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं। ये हमारा पूरा छत जो है हमारी माशाल्लाह से पूरी भरी हुई होती है। 4 बजे से पहले पहले हमें सारे काम करने होते हैं इधर के, ताकि बच्चों को बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया मिले। यहाँ पर माशाल्लाह वो नमाज़ भी पढ़ते हैं, जमात होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो तिलावत की आवाज़ नीचे आती है ना, तो ऐसा लगता है तरावियाँ हो रही हैं छत पर हमारी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कोई जगह का मैटर भी नहीं है, एज ए कोचिंग सेंटर भी हमारा ये छत रूफ जो है हमारी ये यूज़ हो रही है। और मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खेलते हैं, और बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं ना वो तो यहाँ बहुत शौक से बैठ के पढ़ते हैं, कमरे में कम बैठते हैं, वो यहाँ छत पर ज़्यादा बैठते हैं। तो दोस्तों आप भी कोशिश करें और कम जगह में अपने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, पॉल्यूशन को बचाएं, पॉल्यूशन से बचाएं, हमारे माहौल को प्यूरीफाई करें। तो दोस्तों इस उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरे गार्डन का ओवरव्यू के साथ पसंद आई होगी आप लोगों को, इजाज़त दें। ये देखें ये मैंने टायर कैरी बना रखी है, हमारे यूज़लेस टायर पड़े थे, हमारे एक दोस्त है ना उनके पास पड़े थे, तो मैंने उनसे ले गए ये 3 टायर ऊपर तेरे रख के लगा लिए पौधे। माशाल्लाह देखें मेरा एलोवेरा भी कितना अच्छा चल रहा है इसके अंदर, ये मेरा सदाबहार चल रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों इजाज़त दें, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।